गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या जिसको हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं, तो उस केस में मैं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने को बताया था कि जब कभी भी वैसे कंपाउंड्स रहेंगे तो आप कॉम्प्लेक्स पार्ट के अंदर में मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करोगे। होप आपको वो सब चीज़ें समझ में अच्छे तरीके से आई होगी। और साथ ही में मैंने यहाँ पर प्रॉब्लम भी कुछ करवाया भी था वो क्लास में, और साथ में कुछ दिया भी था होमवर्क, राइट। तो आइए हम लोग सारे प्रॉब्लम्स को सीक्वेंस से डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट है हमारा CONH3 whole 5 Cl Cl2, यही है हमारा। तो इस केस में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, काफी आसान है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग मान लेंगे X प्लस NH3 आपका लिगेंड हो गया। इसका आप चार्ज देखोगे तो न्यूट्रल में आता है, तो इसकी वजह से हो गया 5NH3 है, तो 5 टाइम्स ऑफ 0 प्लस Cl आपका, इसका आप चार्ज होता है -1, दैट इज प्लस -1, और यहाँ पे फिर से Cl है तो -1, और कितना Cl है 2, तो प्लस 2 टाइम्स ऑफ -1। अब पूरे पे चार्ज कितना है 0, तो दैट इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर देना है आपका, हो जाएगा सॉल्व, दैट इज इक्वल टू X प्लस 5 टाइम्स ऑफ 0 दैट इज 0 प्लस टाइम -1 दैट इज -1 प्लस 2 इंटू -1 दैट इज -2 इट इज इक्वल टू 0। तो -1 एंड -2 दोनों मिलकर के हो गया आपका -3, तो x -3 इज इक्वल टू 0। तो अगर उधर जाएगा तो +3, तो x की वैल्यू आ गई +3। तो कोबाल्ट का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया आपका +3, राइट। आसान है। नाउ सेकेंड वन, K3 एफिशियंस x, ये शायद करवाया था, पता नहीं करवाया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर से देख लो। जैसे इस केस में इसका कैलकुलेट करने को हम लोग को फिर से यहाँ पे पोटेशियम इज फ्रॉम अल्कली मेटल, और अल्कली मेटल की मैं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बता चुका हूँ +1 होता है। तो यहाँ पे 3 पोटेशियम है, तो 3 टाइम्स ऑफ +1 प्लस इसका कैलकुलेट करने का है, तो एक्स मान लेंगे हम लोग प्लस 6 टाइम्स ऑफ साइनाइड, और साइनाइड आपका निगेटिवली चार्ज लिखे हैं, चार्ज इज -1 दैट इज इक्वल टू ओवरऑल 0। तो 3 टाइम्स ऑफ +1 दैट इज +3 प्लस एक्स, -6 इज इक्वल टू 0 प्लस 3 -6 दैट इज -3 इज इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से फिर से कितनी आ गई +3। तो यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +3, राइट। आसान है। नाउ नेक्स्ट वन, प्रॉब्लम नंबर 3, K3 Fe C2O4 whole thrice, राइट। इस केस में इस आयरन का कैलकुलेट करने को है, वापस है पोटेशियम इज फ्रॉम अल्कली मेटल, और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मैं बता चुका हूँ +1। तो 3 टाइम्स ऑफ +1 प्लस आयरन की आप एक्स मानोगे, C2O4 ऑक्सीलेट इज फ्रॉम अनायनिक लिगेंड, अनायन मतलब निगेटिवली चार्ज लिगेंड, तो यहाँ पे हमारा +3 टाइम्स, और इस पर चार्ज होता है आपका -2 इट इज इक्वल टू ओवरऑल पे चार्ज 0 दैट इज इक्वल टू 0। तो 3 टाइम्स ऑफ +1 दैट इज +3 प्लस एक्स, एंड 3 टाइम्स ऑफ -2 दैट इज -6 इट इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स +3 -6 इज -3, तो एक्स -3 इज इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से भी कितनी आ गई +3। अभी तक हम लोगों ने 3 क्वेश्चन किया, इसमें +3, इसमें +3, इसमें +3, तो ऐसा नहीं कि 3 में +3 आया तो अच्छा सर ने तो कोड करके दिया क्वेश्चन, सारे का आंसर +3 होगा, बस सारे में सर +3, +3, +3, तो पहली गलती भी हो गई, ठीक है, तुक्का नहीं चलेगा, ठीक है। चलो यहाँ पे है K2 PdCl4, दिस इज K2 PdCl4, राइट। यहाँ पे प्लैटिनियम का हम लोग को कैलकुलेट करने को है, अगेन पोटेशियम फ्रॉम अल्कली मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1, तो 2 टाइम्स ऑफ व्हाट +1 प्लस इसकी हम लोग एक्स मान लेंगे, और सी एल पे चार्ज होता है -1, और कितना सी एल है 4 दैट इज इक्वल टू हाउ मच 0, क्योंकि ओवरऑल पे चार्ज 0 दैट इज 2 टाइम्स ऑफ +1 दैट इज +2 प्लस एक्स, एंड 4 टाइम्स ऑफ -1 दैट इज -4 इट इज इक्वल टू 0। तो एक्स -2 इज इक्वल टू 0, कि एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई +2। अभी इसका आंसर हम लोग +3 तुक्के से दे दिए होते तो गलत हो जाता, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन, प्रॉब्लम नंबर 5 इज PtNH3 whole thrice Cl
HCl, ठीक है। इसकी कैलकुलेट करने को हम लोग मान लेंगे X, NH3 इज ए न्यूट्रल लिगेंड प्लस थ्री टाइम्स, न्यूट्रल मतलब चार्ज जीरो, प्लस Cl पे चार्ज माइनस वन, इस Cl पे अगेन चार्ज माइनस वन, तो प्लस ऑफ माइनस वन, ओवरऑल पे चार्ज यहाँ पे कितना जीरो, दैट इज इक्वल टू जीरो, तो X थ्री टाइम्स ऑफ जीरो दैट इज जीरो, प्लस माइनस वन दैट इज माइनस वन, प्लस माइनस वन दैट इज माइनस वन, इट इज इक्वल टू जीरो, तो X माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो X की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई आपकी प्लस टू, तो इस X की वैल्यू फिर से प्लस टू। इसका भी आंसर अगर आप तुक्के से दिए होते प्लस थ्री, बस फिर से गलती और काफ़ी ब्लंडर वाली मिस्टेक हो जाती। नाउ प्रॉब्लम नंबर सिक्स, पी टी एन एस थ्री इज टू ओ सी एल टू, राइट। इसका कैलकुलेट करने को है, मान लेंगे हम लोग X प्लस एन एस थ्री जो न्यूट्रल लिगेंड एक ही है, तो वन टाइम्स ऑफ जीरो, एस टू ओ जो न्यूट्रल लिगेंड तो फिर से जीरो, और सी एल पे हमारा चार्ज होता है माइनस वन, तो प्लस टू टाइम्स ऑफ माइनस वन इट इज इक्वल टू जीरो, तो x 0 0 और ये माइनस टू इट इज इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई फिर से आपकी प्लस टू। तो अब देखो, अच्छा सर ने कोड चेंज करके माइनस प्लस थ्री से प्लस टू कर दिया है, तो बाकी अगला जितना ही बच गया सारे का डाल दो भाई प्लस टू, तो पता चलेगा कि ठीक है जब तक सही है तब तक सही है, गलती भी हो सकती है, ठीक है। नाउ प्रॉब्लम नंबर सेवेंथ, सेवेंथ में क्या है आपका, काफ़ी बड़ा सा है, सी ओ एन एस थ्री होल फाइव एन ओ टू एन ओ थ्री होल ट्वाइस। कैमरा से बाहर तो नहीं चला गया, दिख रहा है ना, अरे दिख रहा है नहीं दिख रहा, दिख रहा है, चलो तब सही है। तो इधर से फिर से हम लोग मान लेंगे भाई इसका एक्स, क्योंकि इसे कैलकुलेट करने को एन एस थ्री जो न्यूट्रल लिगेंड, तो प्लस फाइव टाइम्स ऑफ न्यूट्रल मतलब चार्ज जीरो, प्लस एनओ टू, एनओ टू पे कितना चार्ज आपका होता है, तो एनओ टू पे माइनस वन चार्ज आपका, तो प्लस माइनस वन, यहाँ पे एनओ थ्री, एनओ थ्री नाइट्रेट, इस पे भी चार्ज आपका माइनस वन, दैट इज प्लस दो है, तो टू टाइम्स ऑफ माइनस वन, ओवरऑल पे चार्ज जीरो, इट इज इक्वल टू जीरो, बस सॉल्व कर देने का है। एक्स फाइव टाइम्स ऑफ जीरो जीरो, प्लस माइनस वन दैट इज माइनस वन, प्लस टू टाइम्स ऑफ माइनस टू दैट इज माइनस टू, इट इज इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू यहाँ से x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो गई प्लस थ्री, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री। अब बोलोगे अच्छा अच्छा सर कुछ नहीं कर रहे हैं, तीन क्वेश्चन में प्लस थ्री, फिर से तीन क्वेश्चन में प्लस टू, और फिर से तीन क्वेश्चन में प्लस थ्री, तो करके ये भी जरा देख लो आप, ठीक है। तो कुछ भी नहीं कर देने का, अब ये ऐसा हो गया तो मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो बेवकूफ की तरह अब अगले तीन क्वेश्चन एक हो गया, दो में और में प्लस थ्री, फिर जो अगला बच जाएगा तीन उसमें प्लस टू, तो पता चलेगा हाँ ठीक है तब सही है। तो टीचर जो है खुश होकर के आपको कुछ ना कुछ तो आशीर्वाद देंगे ही अपनी तरफ से। अगर इतने एग्जांपल्स के बाद अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं कैलकुलेट करना आ रहा है, देन इसका मतलब आप समझो कि आप हो बेवकूफ, और कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारा प्रॉब्लम्स हम लोग कर चुके हैं ऑक्सीडेशन स्टेट पे, और इतने के बाद भी आपको अभी भी कन्फ्यूजन के साथ अगर नहीं आ रहा है अच्छा कैसे कैलकुलेट होगा, इसका मतलब आपको भोंदू, ठीक है। तो आप अपना या तो जो भी मेडिटेशन ये सब करो, या अपना मेंटल इलाज वलाज करवाओ, या फिर देखो कमी कहाँ पे, ठीक है, बाकी और कोई बात नहीं है। नाउ प्रॉब्लम नंबर एट है आपका के सी आर एस टू ओ होल ट्वाइस सी टू ओ फोर होल ट्वाइस, राइट। इस केस में आपको कैलकुलेट करना है सी आर की, तो यहाँ पे पोटेशियम फ्रॉम अल्कली मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन फिक्स्ड, प्लस इसकी एक्स हो गए, प्लस टू टाइम्स ऑफ वाटर, वाटर न्यूट्रल लिगेंड तो जीरो, प्लस सी टू ओ फोर चार्ज हमारा होता है माइनस टू, तो प्लस टू टाइम्स ऑफ माइनस टू इट इज ओवरऑल जीरो, राइट। बस अब सॉल्व कर देना है, दैट इज प्लस वन प्लस एक्स, टू टाइम्स ऑफ जीरो दैट इज जीरो, एक्स सही है, ठीक है, मैं ऐसे ही लिखता हूँ, टू टाइम्स ऑफ माइनस दैट इज माइनस फोर, इट इज इक्वल टू हाउ मच जीरो, दैट इज प्लस वन माइनस फोर दैट इज माइनस थ्री, तो एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस थ्री। अब देखो यार सही में प्लस थ्री दो बार हो गया, अब इसमें फिर तीसरी बार देखते हैं प्लस थ्री है कि नहीं। नाइन्थ
नहीं यार ये तो गड़बड़ हो गया, इसमें प्लस थ्री तो नहीं आएगा। FeCO होल फाइव ओवरऑल चार्ज जीरो, इसका कैलकुलेट करने को तो x प्लस फाइव टाइम्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CO, और CO आपका न्यूट्रल लिगेंड में होगा तो जीरो, ओवरऑल चार्ज है जीरो, तो x प्लस जीरो इट इज इक्वल टू जीरो, दैट इज x की वैल्यू आ गई आपकी जीरो, आयरन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो। तो लो गड़बड़ हो गया ना, सिक्वेंस पूरा का पूरा उलट गया, ये तो अच्छी बात नहीं है। कितना अच्छा, इसमें भी प्लस थ्री आया था और अगले तीन क्वेश्चन में प्लस टू आया था, तो मज़ा ही आ जाता। दिस इज द नाइन्थ नंबर, नाउ टेंथ। CO NH3 होल फाइव SO4 Br, यही है राइट। इसका कैलकुलेट करने को है, मान लेंगे हम लोग X, अमोनिया तो आपका निगेटिवली चार्ज लिगेंड है, नहीं बेवकूफ हो, न्यूट्रल चार्ज लिगेंड है, तो प्लस फाइव टाइम्स न्यूट्रल मतलब चार्ज, माइनस फाइव नहीं जीरो, और सल्फेट का हमारा होता है माइनस टू, तो प्लस ऑफ माइनस टू, तो डेट इज अल्टीमेटली माइनस टू ही हो जाएगा, डायरेक्ट लिख गया। और बी आर पे चार्ज होता है माइनस वन, आपको बता चुका हूँ, तो प्लस ऑफ माइनस वन, इट इज़ ओवरऑल पे चार्ज तो है माइनस फाइव, तो माइनस फाइव के बराबर में करेंगे नहीं, जीरो चार्ज इसलिए जीरो के बराबर। एक्स फाइव टाइम्स ऑफ जीरो इज माइनस फाइव नहीं जीरो, प्लस माइनस टू इज माइनस टू, प्लस माइनस वन इज माइनस वन, इट इज इक्वल टू जीरो, देन एक्स की वैल्यू यहाँ से आ गई प्लस थ्री, क्योंकि माइनस वन टू और माइनस वन माइनस थ्री उधर जाएगी तो प्लस थ्री, अरे बीच में एक ही गड़बड़ कर दिया ना। नाउ प्रॉब्लम नंबर इलेवेंथ, एन ए टू एफ ई सी एन होल फाइव एन ओ, नाउ सोडियम इज फ्रॉम अल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब ग्रुप टू, नहीं बेवकूफ अल्कली मेटल्स है, तो प्लस वन फिक्स्ड है, दो सोडियम है तो टू टाइम्स ऑफ प्लस वन, इसका कैलकुलेट करने को है तो एक्स मानेंगे, सी एन पे चार्ज होता है माइनस वन, तो प्लस फाइव टाइम्स ऑफ माइनस वन, और एनओ आपका न्यूट्रल लिगेंड तो प्लस जीरो, इट इज इक्वल टू जीरो राइट। टू टाइम्स ऑफ प्लस वन दैट इज प्लस टू प्लस एक्स, एंड फाइव टाइम्स ऑफ माइनस वन दैट इज माइनस फाइव, प्लस जीरो इट इज इक्वल टू जीरो, तो प्लस टू माइनस फाइव दैट इज माइनस थ्री, तो एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आ गई वापस से प्लस थ्री राइट। एंड द लास्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 12, K3 Cr C2O4 होल थ्राइस राइट, इसका कैलकुलेट करने को है, तो पोटेशियम इज फ्रॉम अल्कली मेटल, तो प्लस वन इज फिक्स, तो थ्री टाइम्स ऑफ प्लस वन, प्लस इसका हम लोग मान लेंगे X, प्लस थ्री टाइम्स ऑफ ऑक्सिलेट C2O4 चार्ज होता है माइनस टू, इट इज इक्वल टू ओवरऑल पे चार्ज जीरो, तो इक्वल टू जीरो, थ्री टाइम्स ऑफ प्लस वन दैट इज प्लस थ्री प्लस एक्स, एंड थ्री टाइम्स ऑफ माइनस टू दैट इज माइनस सिक्स, इट इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आ गई आपकी प्लस फाइव राइट, बेवकूफ प्लस थ्री आएगा ठीक है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। तो अगर आपको नॉर्मल कंपाउंड्स में देगा ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के लिए हो जाना चाहिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में देगा भाई तब भी हो जाना चाहिए, और साथ में अगर एक कंपाउंड में अगर दो एटम्स का डिफरेंट एटम्स का कैलकुलेट करने के लिए देगा, या दो अलग अलग सेमी एटम्स का कैलकुलेट करने के लिए देगा, तो आपको वो भी कैलकुलेट हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है देन आप में कोई कमी है, आप वापस से लेक्चर देखो, वापस से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, देखो कि मिस्टेक हमारे से कहाँ पे हो रही है, और उस मिस्टेक को सॉल्व करने सॉर्ट करने की कोशिश करें आप ठीक है, तब जा करके आपसे होगा राइट। तो इस टाइप से हम लोग आपको समझ में आ गया, तो जो बेसिक चीज़ें थी हमारी ये कैसे कैसे हमारा क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सब किन किन कंपाउंड्स में कैसे कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो वो सब सारा हम लोग कर चुके हैं। तो इन सब से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम आएगा तो होपफुली आपसे हो जाना चाहिए। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आपसे कैलकुलेट नहीं होगा, मतलब समझो आप रिएक्शन में पता ही नहीं कर पाओगे भाई कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है, कौन रिड्यूस कर रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन रिड्यूसिंग एजेंट, कौन ऑक्सीडेंट है, कौन रिडक्टेंट है, तो इसको निकालना आना चाहिए, इसलिए हम लोग इस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किए हैं, साथ में टाइम भी दिए हैं, और साथ में प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस अच्छे तरीके से किए हैं। ये चैप्टर पढ़ के तो लग रहा होगा कि वाह कितना आसान है केमिस्ट्री, मूल कॉन्सेप्ट पढ़ के थोड़ा सा अरे ये कैसे हो गया ठीक है, तो वो भी आसान है, थोड़ा सा उसमें है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको फर्स्ट टाइम में थोड़ा सही लगता है, इधर में सिर्फ जोर घटाओ ही है, तो लगता है वाह कितना आसान है, तो इतना ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, आसान है सारा चीज़, बस वो आपके मेहनत पर डिपेंड करता है। नहीं पढ़ोगे आप तो वही चीज़ें बहुत मुश्किल हैं, अगर आप उस पर मेहनत किए हो तो वो चीज़ें आसान है। अब हम लोगों ने चलना सीखा,
अगर हम लोग चलते ही नहीं, बैठे रहते हैं 10 साल तक एक ही जगह पे बैठे रहते हैं, चाहे सोए रहते हैं, एक बार उठ करके चलते तो दौड़ना स्टार्ट कर देते क्या? तो उस टाइम चलना हमारे लिए मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने वो काम ही नहीं किया। लेकिन अगर वहीं आप रेगुलर चल रहे हो तो चलना आपके लिए सबसे आसान। तो चीज़ें, कोई भी चीज़ मुश्किल या आसान, हमारे मेहनत के ऊपर डिपेंड करती है। ये चीज़ हमें आसान इस वजह से लग रही है क्योंकि हो सकता है उन चीज़ों को हम लोगों ने बहुत बार प्रैक्टिस किया होगा, बहुत बार देखा होगा, इस वजह से। कोई चीज़ मुश्किल इसलिए लग रही है कि उसको करने की कोशिश ही नहीं करी होगी, एक आध दो बार करके ही छोड़ दिया होगा। तो कोई भी चीज़ आसान मुश्किल हमारे मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। तो मूल कॉन्सेप्ट विल ऑल्सो बी ईजियर इसी के जैसे। कब? जब उसको आप अच्छे से खूब प्रैक्टिस करोगे, खूब अच्छे से उसको समझोगे और खुद से जितना प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, गलतियाँ कर करके खुद से जितना कोशिश करोगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। सिंपल, राइट, क्लियर। तो ये सब तो नॉर्मल केसेस था जिस केस में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना का टेक्निक मैंने बताया, कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ पढ़ेंगे सम स्पेशल एग्जाम्पल्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सब जो एग्जाम्पल है ये सब डायरेक्ट एक एग्जाम्पल मैं जिस केस के लिए दूंगा सिर्फ उसी में एप्लीकेबल है, अगले में एप्लीकेबल नहीं भी हो सकता है, राइट, क्लियर। तो ये सब जो है वो आपको डायरेक्ट, मतलब एक एक केस है, सिंपली एक्सेप्शन आप बोल सकते हो, बाकी सबसे थोड़ा सा अलग शो करेगा। तो उस सबको हम लोग को थोड़ा बहुत ध्यान में अपने रखना है, रिवीजन करोगे तो ध्यान में रहेगा, याद करने की जरूरत नहीं है। बाकी जो एप्लीकेशन में आएगा, हम लोग को काम जिसका पड़ेगा वो इसी सब अभी तक जितने हम लोगों ने केस किया उसी सब के ऑक्सीडेशन स्टेट का वर्क पड़ेगा। स्पेशल केसेस का वर्क जनरली बहुत कम या नहीं के बराबर ही पड़ता है, ठीक है, आई बात समझ में। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचानने के लिए, चाहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये सब में उन सब का केस नहीं आता है। वो सिर्फ हमारे नॉलेज पर्पस के लिए है कि ये सब तो जनरल हो गया जो सब लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इन सब के अलावा कुछ कुछ हैं जो थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टा फॉलो करते हैं, तो उन सब के बारे में पढ़ना हमारा काम है। बट वो कैजुअल नहीं है, जनरल नहीं है, इसलिए हमारे जनरल स्टडी में वो आता नहीं है, अलग से उसको हम लोग स्पेशल केसेस करके पढ़ लेते हैं और हमेशा उसमें ध्यान रखते हैं, ठीक है, आई बात समझ में। एग्जामिनेशंस में, जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली, ठीक है, और बाकी ऐसे जनरल पूछे जाएगा तो कोई भी सॉल्व कर लेगा ना, तो इस वजह से। बाकी जनरल स्टडी के लिए, बैलेंसिंग के लिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचानने के लिए, ये सब के लिए उन सब की जरूरत हम लोग को बहुत कम पड़ती है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं स्पेशल एग्जांपल्स, उसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। बाकी होप आपको नॉर्मल केसेस में ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना आ गया। अगर नहीं आया है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी तरह इसको सीखने की कोशिश करें, राइट, क्योंकि नहीं आ रहा है तो बहुत मुश्किल होने वाली। इसी चैप्टर में नहीं, और भी आगे भी जरूरत पड़ती है हम लोग को इस चीज़ की, ठीक है, ओके, चलिए। तो अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। बोर्ड मिटाना भी बड़ा मुश्किल है, इतना मेहनत पढ़ाने में नहीं लगता है, इससे ज़्यादा एनर्जी और बोर्ड मिटाने में चला जाता है। चलिए, ठीक है, तो नॉर्मल केसेस में होप आप कैलकुलेट कर लेंगे। अगर नहीं कैलकुलेट करेंगे तो कर पा रहे हैं तो कमी आप में है, ज़रा उस कमी को दूर करने की कोशिश करें, ठीक है, ओके। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्पेशल एग्जांपल्स, ठीक है, या स्पेशल केसेस जो भी आप बोल सकते हैं। स्पेशल केसेस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट, अगर आप जरा याद करोगे तो मैं जब रूल पढ़ा रहा था तो उसमें आपको ऑक्सीजन वाला केस बताया था,
तो उसमें मैं आपको ये बताया था कि ऑक्सीजन का जो यूजुअली ऑक्सीडेशन स्टेट या जनरली होता है वो -2 होता है, जबकि तीन केसेस में बताया था जिसमें छोड़ करके, फर्स्ट वन वाज द परऑक्साइड, सेकेंड वन वाज द सुपर ऑक्साइड एंड थर्ड वन वाज द कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विथ फ्लोरिन। तो फ्लोरिन वाला तो मैं उसी केस में वहीं पर बता दिया था, दो एग्जाम्पल बताया था आपको, OF2 एंड O2F2, जबकि हम लोगों ने परऑक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड्स दो केसेस को वहाँ पे छोड़ा था। तो अभी हम लोग उन दोनों केसेस को यहाँ पे स्टडी करते हैं कि परऑक्साइड क्या होता है, कैसे पता करेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन परऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट है या फिर सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट है। और परऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड होगा तब तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 तो नहीं होगा, तो फिर होगा कितना, राइट? क्लियर? तो यही हम लोग अभी पहले केस पढ़ते हैं ऑक्सीजन वाला, जिसमें से फर्स्ट केस हम लोग पढ़ते हैं परऑक्साइड्स के लिए, राइट? चमक रहा है ना जी, बोर्ड नहीं, जो बोल रहा हूँ सो माइंड में, जोक मेरे को करना ही नहीं आता, कभी कभी कोशिश करता हूँ कि कुछ हंसाऊं, बट मेरे खुद नहीं हंसी आती, दूसरे को क्या आएगी, क्या कर सकते, कोई नहीं। देखिए ऑक्साइड्स, ऑक्साइड मतलब कि ऑक्सीजन होना चाहिए, कोई भी वैसा कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है दैट आर बेसिकली ऑक्साइड्स। आप जब इस ब्लॉक पढ़ेंगे, 11th में पढ़ाया जाता है इनऑर्गेनिक में, देन वहाँ पे मैं पढ़ाऊँगा कि ऑक्साइड बेसिकली आपका तीन टाइप का, ऐसे तो और भी बहुत सारे बेसिस पे अलग अलग टाइप के होते हैं, तीन टाइप का ऑक्साइड मैं पढ़ाऊँगा आपको, नॉर्मल ऑक्साइड, परऑक्साइड्स एंड सुपर ऑक्साइड। तो वो उधर मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी हम लोग सिर्फ समझेंगे परऑक्साइड। जैसे देखिए कंपाउंड किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीजन के साथ मिलकर के जो कंपाउंड रहता है दैट कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्साइड, राइट? अब देखिए उसमें से ऐसे जनरली ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है हमारा कितना, -2। तो ऑक्साइड पढ़ ही लेते हैं थोड़ा, मतलब थोड़ा सा शॉर्ट में, ऑक्साइड्स जो बेसिकली होता है वो तीन टाइप का, ठीक है? वन इज नॉर्मल ऑक्साइड, ऐसे फिर से आपको ये पढ़ाया जाएगा, अब जान लो, अच्छी बात है, पढ़ना तो आज ना कल है ही आपको। सेकेंड वन इज अ परऑक्साइड एंड थर्ड वन इज अ सुपर ऑक्साइड, राइट? कैसे पहचानेंगे भाई कि भाई कौन नॉर्मल ऑक्साइड, कौन परऑक्साइड और कौन सुपर ऑक्साइड? और उससे भी पहले ऑक्साइड होता क्या है, तो किसी भी एलिमेंट का अगर ऑक्सीजन के साथ मिलकर के कंपाउंड रहेगा दैट कंपाउंड को हम लोग स्पेशल नाम देते हैं, दैट इज ऑक्साइड। तो कंपाउंड ऑफ एनी एलिमेंट, कंपाउंड ऑफ एनी एलिमेंट विथ ऑक्सीजन, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीजन के साथ ही कंपाउंड हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देना चाहो दैट इज Na2O, Na2O2, K2O, BaO, etc. ये सोडियम का ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड है, कंपाउंड तो आपको समझ में आ रहा होगा, कंपाउंड मतलब मोर देन वन टाइप के एटम प्रेजेंट होना चाहिए, सोडियम का प्रेजेंट है, ऑक्सीजन का प्रेजेंट है, तो कंपाउंड हो गया। इधर में सोडियम के साथ है, पोटेशियम के साथ ऑक्सीजन का कंपाउंड, इधर में बेरियम के साथ कंपाउंड है। तो अगर किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीजन के साथ अगर कंपाउंड रहता है तो उस कंपाउंड को हम लोग स्पेशल नाम देते हैं, दैट कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑक्साइड्स। तो दीज आर ऑल ऑक्साइड्स बिकॉज द एलिमेंट हैज फॉर्म्ड द कंपाउंड विथ ऑक्सीजन, राइट? नाउ अब ये जो ऑक्साइड हम लोगों ने एग्जाम्पल दिया, ये ऑक्साइड आपको समझ में आया, ये बेसिकली तीन टाइप का हो सकता है, नॉर्मल ऑक्साइड, परऑक्साइड्स एंड सुपर ऑक्साइड्स। पहचानने का तरीका काफ़ी ज़्यादा आसान है, कहीं पे भी किसी भी केस में अगर ऑक्सीजन पे, सिंगल ऑक्सीजन पे अगर -2 चार्ज आ रहा है, वो -2 के फॉर्म में आ रहा है, तो दैट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर नॉर्मल ऑक्साइड्स। पहले मैं बता देता हूँ फिर आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। कहीं पे भी अगर एक ऑक्सीजन पे चार्ज आ रहा है -2, दैट टाइप ऑफ ऑक्साइड इज नॉर्मल ऑक्साइड, राइट? जबकि अगर किसी केस में दो ऑक्सीजन दैट इज O2 इस पे चार्ज आ रहा है -2, तो वैसे कंपाउंड को बोलेंगे परऑक्साइड्स, वैसे ऑक्साइड्स को बोलेंगे परऑक्साइड। सिंगल ऑक्सीजन पे -2 चार्ज ऑक्साइड, दो ऑक्सीजन या O2 पे -2 चार्ज दैट इज परऑक्साइड, और अगर O2 पे आपका चार्ज हो गया -1, तो दैट टाइप ऑफ ऑक्साइड इज बेसिकली कॉल्ड एज द सुपर ऑक्साइड। कैसा ऑक्साइड? सुपर,
सुपर से भी ऊपर वाला नहीं, सुपर ऑक्साइड। ठीक है, अब देखो आप, अब पता कैसे करेंगे भाई कि ऑक्सीजन पे चार्ज कैसे है? तो या तो आपको आता होगा, मैं आपको बताने से चार्ज पता करना, नहीं तो भाई सीख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर वन, कंपाउंड दे दिया भाई Na2O और क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि बताओ भाई कि ये तीनों में कौन सा टाइप का ऑक्साइड है, पहले तो ये बताओ कि ऑक्साइड है कि नहीं। तो हाँ भाई, सोडियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर कंपाउंड बनाए हुए, तो दैट मीन्स ऑक्साइड तो है। और आपसे पूछ दिया कि कौन टाइप का ऑक्साइड है, तो कौन टाइप के ऑक्साइड को पता करने के लिए भाई आपको ऑक्सीजन पे चार्ज पता करना पड़ेगा। ठीक है, यस और नो? नो सर, यस सर। अब जरा देखेंगे, आप ऑक्सीजन पे चार्ज पता करना है तो अगला जो दूसरा एलिमेंट होगा उसका चार्ज हम लोग को पता होना चाहिए। ये रहा आपका सोडियम, सोडियम इज फ्रॉम अल्कली मेटल, और अल्कली मेटल का हमेशा मैं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बताऊं कितना, प्लस वन। क्या रे, कितना बताए हैं? प्लस वन। तो यहाँ पे दो सोडियम है, तो एक सोडियम का हमेशा चार्ज कितना होगा? प्लस वन। तो दो सोडियम का कितना चार्ज होगा? प्लस वन इंटू टू, दैट इज प्लस टू। तो पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू टोटल कितना है? प्लस टू। तो अब जरा बताओ कि ऑक्सीजन पे होगा तो निगेटिव चार्ज, इधर भी निगेटिव है, निगेटिव कहीं भी ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ रहा है नहीं, तो ऑक्सीजन पे होगा तो निगेटिव चार्ज। अब इस ओवरऑल कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं है, तो जीरो आने के लिए ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होना चाहिए? माइनस टू। तब ना प्लस टू माइनस टू मिलकर के कटेगा, कैंसिल होगा और ओवरऑल जीरो आएगा, क्योंकि सिंस ओवरऑल कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं है तो कटायन और अनायन का चार्ज, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज मिलकर के जीरो होना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज प्लस टू आया तो निगेटिव चार्ज कैसे आ गया? माइनस टू। मतलब इस केस में ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आ गया भाई? माइनस टू। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन एटम पे माइनस टू चार्ज। मतलब दिस ऑक्साइड इज कैसा ऑक्साइड? दिस ऑक्साइड इज अ टाइप ऑफ नॉर्मल ऑक्साइड। चमका कि नहीं चमका? नहीं चमका। तो फिर से समझें आप, हम लोग किसी भी कंपाउंड अगर न्यूट्रल है तो ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल मतलब जीरो, इसका मतलब जितना पॉजिटिव उसमें उतना ही क्या होना चाहिए? नेगेटिव, तभी तो भाई जीरो होगा। अब हम लोग पॉजिटिव वाला चेक कर लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव वाला तो निकालना ही है, क्योंकि नेगेटिव वाले पार्ट में ऑक्सीजन है, पॉजिटिव। आगे हम लोग को सोडियम, सोडियम इज फ्रॉम अल्कली मेटल, पढ़ चुके हम लोग, ग्रुप वन का एलिमेंट है, तो ग्रुप वन के एलिमेंट का मैं बताया था आपको, अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा प्लस वन। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब उस पर चार्ज प्रेजेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है भाई? तो अकेला एटम में जितना चार्ज प्रेजेंट होगा आयन के फॉर्म में, जितना चार्ज होगा वही ना उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सोडियम जब अकेला रहेगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन, तो प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट। और कितना सोडियम है? दो सोडियम, तो प्लस वन इंटू टू, देन हमारा पॉजिटिव चार्ज टोटल कितना हो गया? प्लस टू। अब सिंस पॉजिटिव चार्ज है प्लस टू, तो नेगेटिव चार्ज भी हमारा माइनस टू होना चाहिए, तभी तो ओवरऑल कितना हमारा जीरो होगा। नेगेटिव चार्ज माइनस टू मतलब ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा माइनस टू, और ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन एटम पे चार्ज अगर माइनस टू, तो देन दिस टाइप ऑफ ऑक्साइड इज नॉर्मल ऑक्साइड, राइट? यस और नो? यस सर, राइट। जबकि अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको दूं, Na2O2 एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, इस केस में आपको बताना है कि भाई बताओ कि ये जो ऑक्साइड है, क्योंकि ऑक्साइड तो है क्योंकि सोडियम ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड है, तो ये जो ऑक्साइड है ये कैसा ऑक्साइड है? नॉर्मल है कि परऑक्साइड है कि सुपर ऑक्साइड है? नाउ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वापिस से, इस पे चार्ज निकालने को है, तो स्टार्ट करेंगे सोडियम से। अब सोडियम से स्टार्ट करेंगे हम लोग, सोडियम इज फ्रॉम अल्कली मेटल, तो एक सोडियम पे कितना चार्ज? प्लस वन। और कितना सोडियम? दो, तो प्लस वन इंटू टू, दैट मीन्स ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज के वैल्यू कितनी आ गई? प्लस टू। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? दो, तो निगेटिव चार्ज की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई? माइनस टू। मतलब ओ टू पे कितना चार्ज आ गया भाई? माइनस टू। और O2 पे चार्ज माइनस टू, दैट इज, इट इज अ केस ऑफ परऑक्साइड। सो दिस ऑक्साइड इज व्हाट? दिस ऑक्साइड इज नथिंग, इट इज सिंपली द परऑक्साइड ऑफ सोडियम। तो अगर ये है हमारा नॉर्मल ऑक्साइड ऑफ सोडियम, तो इस कंपाउंड का अगर हम लोग नाम लिखेंगे, तो सोडियम का नॉर्मल ऑक्साइड, तो नॉर्मल हम लोग जनरली लिखते नहीं है, तो दिस कंपाउंड विल बी सिंपली व्हाट? सोडियम ऑक्साइड। इस कंपाउंड को सिंपली हम लोग क्या बोलेंगे? सोडियम ऑक्साइड। ऐसे नहीं कि सोडियम नॉर्मल ऑक्साइड, नहीं, सोडियम नहीं लिखा हुआ है कोई टाइप का ऑक्साइड, मतलब नॉर्मल ऑक्साइड। जबकि अगर इस कंपाउंड का आपको नाम मैं पूछूं कि इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, तो सोडियम का यहाँ पे कैसा ऑक्साइड है? परऑक्साइड। तो दिस कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज द सोडियम परऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड। समझ में नहीं आया सर? आ गया सर, नहीं आया तो बैक कर लो थोड़ा सा वीडियो, दोबारा नहीं बोलेंगे। एग्जाम्पल नंबर भाई थर्ड दिया हुआ है NaO2, अब दिया हुआ है भाई NaO2। अब NaO2 पहले तो पूछेगा जी ऑक्साइड है? तो नो सर, ऑक्साइड नहीं है। तो दो थप्पड़ लग जाएगा, ये सर ऑक्साइड है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है सोडियम के साथ।
अब ये ऑक्साइड है तो कौन से टाइप का ऑक्साइड है, तो उसके लिए हम लोग को ऑक्सीजन एटम पे चार्ज का पता करना पड़ेगा। तो आइए भाई चार्ज का पता करते हैं। यहाँ पे सोडियम, एक ही सोडियम है, अल्कली मेटल, तो इस पे चार्ज कितना, प्लस वन, तो पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू आ गया प्लस वन। ओवरऑल कंपाउंड इज न्यूट्रल, मतलब इस नेगेटिव चार्ज का वैल्यू कितना आएगा, माइनस वन। मतलब इस केस में O2 पे चार्ज आ गया माइनस वन, और O2 पे अगर चार्ज हो गया माइनस वन तो वैसे ऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं बेसिकली सुपर ऑक्साइड ऑफ, इस केस में किसका है, सोडियम का, तो दैट इज सुपर ऑक्साइड ऑफ सोडियम। तो नाम अगर इसका लिखना बोलेगा तो क्या लिखेंगे, तो दिस इज बेसिकली सोडियम, और उसका नॉर्मल वाला भी नहीं है, परऑक्साइड भी नहीं है, तो कौन सा ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, दिस इज सोडियम सुपर ऑक्साइड। समझ में नहीं आया सर, क्लियर। तो अगर सिंगल ऑक्सीजन एटम पे माइनस टू चार्ज दैट इज नॉर्मल ऑक्साइड, O2 पे माइनस टू चार्ज दैट इज परऑक्साइड, और O2 पे माइनस वन चार्ज दैट इज सुपर ऑक्साइड। ऐसे नहीं, अगर सिंगल सिंगल के टर्म्स में बात करना है तो अगर सिंगल एटम पे माइनस टू चार्ज दैट इज नॉर्मल ऑक्साइड, यहाँ पे दो ऑक्सीजन पे माइनस टू है तो एक ऑक्सीजन पे माइनस वन होगा, तो अगर कहीं पे सिंगल ऐसे पहचानो या ऐसे पहचानो, आप सिंगल के टर्म से पहचाना चाहो तो वो ठीक अच्छी बात है। दो O2 पे माइनस टू, तो दो ऑक्सीजन पे माइनस टू, तो एक पे कितना होगा माइनस वन ही होगा, तो अगर सिंगल ऑक्सीजन पे माइनस टू नॉर्मल ऑक्साइड, सिंगल एटम पे माइनस वन दैट इज पर ऑक्साइड, सेम ही बात है। और यहाँ पे सिंगल एटम पे निकालना चाहें तो दो पे है चार्ज माइनस वन, तो एक पे चार्ज कितना होगा माइनस वन बाई टू, तो अगर सिंगल एटम पे चार्ज माइनस वन बाई टू तो वैसे ऑक्साइड को हम लोग बोलेंगे सुपर ऑक्साइड। तो आप चाहें तो किसी भी तरीके से पहचान सकते हैं, या तो आप ये देखकर पहचान सकते हैं कि सिंगल एटम वाला ही सिर्फ केस, कि सिंगल एटम पे माइनस टू नॉर्मल ऑक्साइड, सिंगल एटम पे प्लस टू कोई टाइप का ऑक्साइड है, सिंगल एटम पे माइनस टू दैट इज नॉर्मल ऑक्साइड, सिंगल एटम पे माइनस वन दैट इज पर ऑक्साइड, एंड सिंगल एटम पे माइनस हाफ चार्ज दैट इज द केस ऑफ सुपर ऑक्साइड। या फिर ऐसे सिंगल एटम पे माइनस टू नॉर्मल ऑक्साइड, O2 पे माइनस टू दैट इज पर ऑक्साइड, और O2 पे माइनस वन सुपर ऑक्साइड। आप किसी भी तरीके से भाई याद कर लो, मतलब है भाई याद रखना, बस उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, राइट, क्लियर। समझ में नहीं आया है सर, और एग्जांपल्स करते हैं ऑक्साइड पहचानने वाला, ठीक है, क्वेश्चन दे रहा हूँ आप खुद से करेंगे, देन मैं मैच करवा दूंगा। लिख लेंगे इसको, ऐसा नहीं मिटा रहे हैं तो लिखना नहीं है, लिखना है। मैं आपको ये भी बोल चुका हूँ, नोट्स आप अपने अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो बोर्ड पर नहीं लिखी गई होगी, सिर्फ मैं मुंह से बोल के छोड़ दिया हूँ। अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ मैं भूल जाने वाला हूँ, उसको अपने लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश इंग्लिश फारसी उर्दू जो भी आपको सूटेबल लगता है, बंगाली तमिल जो भी, हिब्रू डिब्रू जो भी, जिस भी अभी समझ में आए सब में मिक्स करके लिख लीजिए, क्योंकि पढ़ने आप ही जाओगे, मैं आपसे नहीं मांगने जाऊंगी भाई नोट्स क्या है तुम्हारा, अब तो थप्पड़ लगाने भी नहीं जा रहा हूँ कि नोट्स नहीं बनाओ, ठीक है, उससे अपने को बहस नहीं, अपने को पढ़ाने से मतलब है, पढ़ने वाले पढ़ेंगे, नहीं पढ़ने वाले तो कहेंगे बस। तो और एग्जाम्पल दिया जाए, हाँ सर ज़रूर दिया जाए, कंपाउंड का नाम भी लिखोगे आप साथ में, चलो पांच ही करो, बहुत बड़ा इसमें पीएचडी मतलब 50 क्वेश्चन कर लेने से क्या हो जाएगा, पॉज करो वीडियो, आप सॉल्व करो क्वेश्चन को, ठीक है, हो गया सॉल्व, इतना जल्दी थोड़ी हुआ होगा, पॉज करने बोला था ना, चलिए पॉज करके सॉल्व करना था, रिज्यूम में ही सॉल्व नहीं करना था, चलिए हम लोग देखते हैं। अब मैं तो यहाँ पे बैठूंगा नहीं कि हाँ भाई आप सॉल्व कर रहे हो तो तुम, मैं बैठता हूँ इधर में, ऐसा नहीं, ठीक है, आप पॉज करके सॉल्व कर लो, देन इधर सॉल्यूशन। BO फिर से ऑक्सीजन पे सिर्फ चार्ज देखना है, एक ऑक्सीजन पे माइनस टू नॉर्मल ऑक्साइड, एक ऑक्सीजन पे माइनस वन पर ऑक्साइड, और एक ऑक्सीजन पे माइनस हाफ सुपर ऑक्साइड, इससे ज़्यादा कुछ नहीं सोचने का है, बस स्टार्ट करना है बेरियम से। बेरियम इज फ्रॉम ग्रुप टू अल्कलाइन अर्थ मेटल,
है या नहीं है? नहीं है, दो थप्पड़ लग जाएगी बात। ग्रुप टू अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब चार्ज कितना? प्लस टू। एक ही बेरियम है तो इस पे चार्ज प्लस टू, तो इस पे अपने आप से चार्ज आ जाएगा माइनस टू, क्योंकि माइनस टू नहीं आएगा तब तक ये न्यूट्रलाइज ही नहीं होगा, तो ऑक्सीजन पे माइनस टू, दैट इज दिस इज अ केस ऑफ नॉर्मल ऑक्साइड। और नॉर्मल ऑक्साइड का नाम क्या लिखेंगे? तो बेरियम का नॉर्मल ऑक्साइड, तो बेरियम नॉर्मल ऑक्साइड, नहीं बेवकूफ नॉर्मल ऑक्साइड नहीं लिखते हम लोग, तो सिंपली बेरियम ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे MgO मैग्नीशियम इज फ्रॉम ग्रुप टू, चार्ज इस पे प्लस टू, ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू होता है तो ऑक्सीजन पे चार्ज माइनस टू, तभी तो प्लस टू माइनस टू न्यूट्रलाइज हो गया, तो ऑक्सीजन पे माइनस टू, देन दिस इज ऑल्सो नॉर्मल ऑक्साइड। और किसका नॉर्मल ऑक्साइड? तो मैग्नीशियम का, सो मैग्नीशियम नॉर्मल ऑक्साइड नहीं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। MgO2 यहाँ पे मैग्नीशियम हमारा फिर से एक ही है और एक पे चार्ज होता है प्लस टू, ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग पढ़ चुके हैं, तो एक पे प्लस टू, तो O2 पे चार्ज कैसे आ गया? माइनस टू। दो ऑक्सीजन पे माइनस टू मतलब एक ऑक्सीजन पे माइनस वन और एक ऑक्सीजन पे माइनस वन मतलब परऑक्साइड वाला केस हो गया। दिस इज मैग्नीशियम का नॉट द नॉर्मल ऑक्साइड, नॉट द सुपर ऑक्साइड, दिस इज द मैग्नीशियम परऑक्साइड। चमक रहा है नहीं चमक रहा है? बोर्ड नहीं, कॉन्सेप्ट। पोटेशियम इज फ्रॉम अल्कलाइन अर्थ मेटल, नहीं अल्कली मेटल, इसलिए इसका हो गया इस पे चार्ज प्लस वन, एक ही है इसलिए प्लस वन, तो O2 पे चार्ज कैसा हो गया? माइनस वन। और O2 पे जैसे ही चार्ज माइनस वन, तो दो एटम पे चार्ज माइनस वन, तो एक एटम पे कितना? माइनस वन बाई टू। और एक ऑक्सीजन पे माइनस वन बाई टू, तो वो तो होता है सुपर ऑक्साइड। किसका सुपर ऑक्साइड? सोडियम का नहीं, पोटेशियम का। सो दिस विल बी कॉल्ड एज द पोटेशियम सुपर से भी ऊपर ऑक्साइड, राइट। K2O पोटेशियम अल्कलाइन अर्थ मेटल, नो अल्कली मेटल, मतलब चार्ज प्लस वन, लेकिन दो पोटेशियम है तो चार्ज चला गया प्लस टू, तो इधर में चार्ज चला गया माइनस टू, और ऑक्सीजन पे माइनस टू, दैट मीन्स नॉर्मल ऑक्साइड। सो दिस इज द पोटेशियम का नॉर्मल ऑक्साइड, सो द कंपाउंड विल बी पोटेशियम नॉर्मल ऑक्साइड। नॉर्मल नहीं लिखते हम लोग, इसलिए पोटेशियम ऑक्साइड। अरे आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बहुत बड़ा कुछ रॉकेट साइंस उसमें नहीं है, ठीक है, इसमें बैठ कर चिंतन करने की जरूरत है ऐसा कुछ नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पता रहेगा तुरंत से सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व कर रहे हैं ये भी मैं आपको बार बार बता ही रहा हूँ, क्लियर, एनी कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वो आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होगी, तो अब आपको जरा पता चल रहा होगा कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग माइनस टू क्यों लेते हैं। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस टू इसलिए लेते हैं क्योंकि वो तभी लेंगे अब जब हम लोग का ऑक्साइड कैसा होगा? नॉर्मल ऑक्साइड। क्योंकि जब कभी भी नॉर्मल ऑक्साइड होगा ना, तो एक ऑक्सीजन पे चार्ज हमेशा कितना आएगा? माइनस टू। और किसी भी एटम पे जितना चार्ज होता है वही ना उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ये तो आपको पढ़ा ही चुके हैं। तो किसी भी एटम पे जितना चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी होता है, और एक ऑक्सीजन पे हमारा चार्ज माइनस टू आ रहा है नॉर्मल ऑक्साइड के केस में, तो कभी भी नॉर्मल ऑक्साइड रहेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस टू लेंगे कि नहीं लेंगे? तो वही मैं आपको उस टाइम लिखवाया था, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज यूजुअली माइनस टू। यूजुअली ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का कितना होता है? माइनस टू। इस वजह से क्योंकि यूजुअली वो नॉर्मल ऑक्साइड ही फॉर्म करता है, लेकिन जब कभी भी बना लेगा भाई परऑक्साइड, तो परऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन एटम पे चार्ज कितना होता है? एक ऑक्सीजन एटम पे माइनस वन चार्ज, दिस इज बेसिकली द परऑक्साइड। तो जब कभी भी भाई बना लेगा वो परऑक्साइड, मतलब परऑक्साइड कभी भी बन जाएगा, तब ऑक्सीडेशन स्टेट परऑक्साइड के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन उस केस में हो जाएगा माइनस वन। कितना हो जाएगा? माइनस वन। तो कहीं पे भी अगर आपको परऑक्साइड दिखे, परऑक्साइड पहचानने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, तो उस केस में ऑक्सीजन का हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस टू नहीं लेंगे, क्योंकि परऑक्साइड आ गया मतलब ऑक्सीजन पे चार्ज आ जाएगा माइनस वन, और चार्ज और एनी एटम इज बेसिकली द ऑक्सीडेशन स्टेट। हमने आपको बताया था द फ्री चार्ज अवेलेबल ऑन एनी एटम इन देयर बॉन्डेड स्टेट, या जब यह किसी के साथ कंबाइन करके रहता है तो जितना चार्ज उस पर प्रेजेंट होता है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो परऑक्साइड केस में कितना चार्ज हमेशा प्रेजेंट है? माइनस वन। एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, ऐसे मैं दो चार लिख दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये तीन लिख लो आप, पहले देखेंगे इधर में हाइड्रोजन चार्ज होता है भाई प्लस वन, मैं आपको बताऊँ मेटल हाइड्राइड को छोड़ करके, तो हाइड्रोजन यहाँ पे मेटल के साथ जुड़ा हुआ नहीं तो माइनस वन तो लेंगे नहीं, प्लस वन ही लेंगे। तो एक हाइड्रोजन पे प्लस वन और यहाँ पे दो हाइड्रोजन है तो प्लस वन इंटू टू हो जाएगा, दैट इज चार्ज कितना आ गया पॉजिटिव वाला प्लस टू, तो O2 पे चार्ज कैसा आ जाएगा? माइनस टू।
क्योंकि O2 पे चार्ज अगर माइनस टू नहीं आएगा तब तो न्यूट्रल ही नहीं होगा। दो ऑक्सीजन पे माइनस टू मतलब एक ऑक्सीजन पे माइनस वन, तो ये है परऑक्साइड, तो दिस इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन परऑक्साइड। कैसा है हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड है, तो ऐसे ही पूछेगा कि इस केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, तो दोनों ऑक्सीजन पे चार्ज है माइनस टू, तो इस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सिंगल ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, माइनस वन। ठीक है, समझ में आया बात। यहाँ पे फिर से देख सकते हो आप, एक सोडियम अल्कली मेटल है तो प्लस वन चार्ज, दो है तो हमारा प्लस टू हो जाएगा चार्ज टोटल, इस पे माइनस टू, दो ऑक्सीजन पे माइनस टू, तो एक एटम पे आपका माइनस वन, तो दिस इज सोडियम परऑक्साइड। सिन सोडियम परऑक्साइड मतलब इस केस में भी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा कितना हो जाएगा ऑक्सीजन का, तो माइनस टू होगा, नहीं होगा भाई क्योंकि परऑक्साइड है, तो कितना होगा, माइनस वन होगा। समझ में आ रहा है सर कि नहीं आ रहा है सर? आ रहा है सर। ठीक है, MgO2 इस पे हमारा प्लस टू, तो इस पे हमारा माइनस टू, फिर से O2 पे माइनस टू मतलब एक ऑक्सीजन पे माइनस वन, दिस इज मैग्नीशियम परऑक्साइड। और परऑक्साइड है तो इस केस में फिर से ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ऑक्सीजन का मैं बोल दूं तो आंख मूंद के माइनस टू नहीं लिख देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस वन होगा। तो जब कभी भी आप लिखोगे ऐसे तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग माइनस टू ले लेते हैं, लेकिन अब सिंस आप ऑक्साइड्स के बारे में जान चुके हैं तो एक बार आप चेक करेंगे कि ऑक्सीजन पे हमारा चार्ज कितना आ रहा है। अगर ऑक्सीजन पे चार्ज माइनस टू आ रहा होगा ना तब तो वो नॉर्मल है, तो वहाँ पे माइनस टू उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ले लेंगे। लेकिन अगर ऑक्सीजन एटम पे चार्ज अगर माइनस वन आ रहा होगा एक पे, तो वो परऑक्साइड का केस हो गया, इसलिए वहाँ पे भूल के भी माइनस टू नहीं लेंगे, कितना लेंगे, माइनस वन लेंगे। ठीक है, समझ में आ या? तो यही बात है। तो व्हाट इज परऑक्साइड, तो परऑक्साइड इज नथिंग, इट इज सिंपली कि जब भी O2 पे चार्ज कैसा आ जाएगा, O2 पे चार्ज आ जाएगा माइनस टू, या फिर इसी को और अच्छे भाषा में बोले तो एक एटम पे, एक ऑक्सीजन पे चार्ज आ जाएगा माइनस वन, तो वैसे ऑक्साइड को ही हम लोग बोलेंगे परऑक्साइड। और परऑक्साइड के केस में सिंस एक ऑक्सीजन एटम पे चार्ज हमारा माइनस वन होता है, इसलिए हम लोग उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना लेते हैं, परऑक्साइड में ऑक्सीजन का माइनस वन, जबकि नॉर्मल ऑक्साइड रहेगा तो माइनस टू। समझ में आ रहा है, क्लियर? होप आपको आ ही रहा होगा अच्छे से समझ में। ठीक है, क्लियर? तो परऑक्साइड का केस आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो परऑक्साइड मतलब क्या हो गया कि O2 पे चार्ज कितना है, माइनस टू। ठीक है, तो तभी तो एक एटम पे हमारा चार्ज आ जाएगा माइनस वन। इसका स्ट्रक्चर बेसिकली देखिए कैसा होता है, स्ट्रक्चर ऑफ परऑक्साइड, ये स्ट्रक्चर, ये सब बनाना, ये सब आपको बॉन्डिंग में सिखाया जाएगा। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग जब आप इनऑर्गेनिक पढ़ाएंगे। तो दो ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, चार्ज दोनों पे माइनस टू, तो एक पे माइनस वन, इस पे भी माइनस वन, ये ऐसे सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है, ये आगे फिर से किसी के साथ बॉन्ड बना सकता है, ये इधर फिर से किसी के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो O सिंगल बॉन्ड O, जिसमें दोनों ऑक्सीजन का हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस वन माइनस वन, तभी ओवरऑल मिलाकर के माइनस टू हो गया। तो दिस टाइप ऑफ ऑक्सीजन O2 इज बेसिकली परऑक्साइड। और ये जो बॉन्ड बन रहा है ना, इस बॉन्ड को हम लोग नया नाम देते हैं, परऑक्साइड है। सो दिस बॉन्ड इज बेसिकली कॉल एज द पर ऑक्सी बॉन्ड। कैसा बॉन्ड? पर ऑक्सी बॉन्ड, दिस इज अ बॉन्ड। ये भी हमारा आगे किसी के साथ बॉन्ड बना सकता है, अभी छोड़ दो आप। दिस इज अ बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, और वो भी सिंगल बॉन्ड है, और इस ऑक्सीजन पे माइनस वन, इस ऑक्सीजन पे माइनस वन, तो ऑक्सीजन पे माइनस वन मतलब ये ऑक्सीजन कैसा वाला ऑक्सीजन है, पर ऑक्साइड वाला ऑक्सीजन है। तो पर ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, तो पर ऑक्सी बॉन्ड, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं पर ऑक्सी लिंकेज। क्या बोलते हैं हम लोग? परऑक्सी लिंकेज, लिंकेज मतलब कि जो जुड़ा हुआ है। तो ये जो लिंकेज है या ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड इज बेसिकली लिंकेज, दो चीज़ जो जुड़ा हुआ है, दिस इज बॉन्ड। तो यही जो लिंकेज या बॉन्ड है, दिस लिंकेज इज बेसिकली कॉल एज द परऑक्सी लिंकेज, राइट? तो परऑक्सी लिंकेज मतलब क्या कि वहाँ पे हमारा जो ऑक्साइड या फिर जो ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट या उस पर चार्ज कितना है, माइनस वन है। तो कहीं भी कोई भी एसिड, कोई भी कंपाउंड जिसमें परऑक्सी लिंकेज आ जाएगा, तो उस केस में ऑक्सीजन पे चार्ज माइनस टू, बोट
नहीं करेंगे उस पर ऑक्सीजन पे चार्ज हम लोग कितना पुट करेंगे, माइनस वन पुट करेंगे। तो नोट करके आप लिख लीजिए, एनी कंपाउंड हैविंग परोक्सी लिंकेज consist of oxygen having oxidation state equal to minus 1। तो कोई भी वैसा कंपाउंड जिसमें ऐसा लिंकेज आ जाएगा, जब किसी भी कंपाउंड में अगर आप स्ट्रक्चर बना हुआ रहेगा और उस स्ट्रक्चर में आप देखोगे कि ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, मतलब ये लिंकेज कैसा वाला लिंकेज है, परोक्सी लिंकेज है। इसका मतलब इस केस में हमारा ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होगा, माइनस वन होगा, परोक्सी आ गया, मतलब परोक्साइड वाला केस है। क्लियर, होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो जब कभी भी परोक्साइड्स रहेगा या फिर किसी कंपाउंड में परोक्सी लिंकेज रहेगा तो उस केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस टू लेंगे क्या, कभी भी नहीं लेंगे, कितना लेंगे, माइनस वन लेंगे। क्या बोले, जब कभी भी किसी कंपाउंड में या कोई कंपाउंड या तो आपका परोक्साइड है या फिर उस कंपाउंड के अंदर में परोक्सी लिंकेज प्रेजेंट है, तब उस केस में जो ऑक्सीजन होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस टू नहीं लेते हैं, माइनस वन लेते हैं। क्योंकि परोक्साइड के केस में एक ऑक्सीजन एटम पे चार्ज होता है माइनस वन। अरे समझ में आया बात, तो ये था आपका एक स्पेशल केस, राइट। होप आपको समझ में आया होगा, परोक्साइड जब समझ में आ गया तो सुपर ऑक्साइड भी समझ में आ गया होगा, समझ में आपको आ गया होगा, क्योंकि सुपर ऑक्साइड में एक ऑक्सीजन एटम होता है माइनस हाफ। तो कहीं पे भी सुपर ऑक्साइड अगर रहेगा तो उस केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट लेंगे माइनस हाफ, जो कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। काफ़ी स्लो चल रहे हम लोग ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी, अगर नहीं आ रही हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर प्लीज़ अपना डाउट को क्लियर करें, डाउट्स को कलेक्ट करके ना रखें, उसे क्लियर करें, तभी आगे अच्छे से समझ में आएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास एंड पेइंग कंसंट्रेशन। थैंक यू, बाय।